फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जब ये बी एन पाथ डिफरेंस लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो पॉइंट पी बन रहा है मिनिमा, और जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है, बी एन पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है, तब पी पर बनता है मैक्सिमा। ठीक है, तो अब इस डेरिवेशन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में दो बातें आपसे पूछी जाती हैं, दो अलग अलग तरह से ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में। अक्सर इसमें पूछा जाता है आपसे, इससे पूछा जाता है एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा या मैक्सिमा या मिनिमा की एंगुलर विड्थ भी आपसे पूछी जाती है। अब एंगुलर विड्थ क्या होता है? इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनता है जैसा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस अभी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सेंटर सी पर बनी, यहां से यहां तक बना, सेंटर सी पर बना ये मैक्सिमा, यहां तक मैक्सिमा बन गया। फिर सेंटर सी से आगे क्या बना? ये पूरा मैक्सिमा बना सेंटर सी के अराउंड, और फिर इसके आगे क्या बना? मिनिमा बना, ये मिनिमा का पार्ट हुआ, दोनों तरफ मिनिमा बनेगा। फिर उसके बाद सेंटर सी से फिर ये मैक्सिमा बना, फिर यहां भी एक मैक्सिमा बना, ये सेंटर सी पर ये वाला मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये वाला मैक्सिमा, ये मिनिमा यहाँ हुआ, ये वाला मैक्सिमा, उसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ मिनिमा बनेगा, ये फिर यहाँ मिनिमा बनेगा, और फिर यहाँ क्या बनेगा? फिर ये मैक्सिमा बन जाएगा यहाँ। तो अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है, किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा की एंगुलर विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? यहां भी सिंपल है बिल्कुल। ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा कहां से कहां तक कहा जाएगा? इसके पीछे वाला आधा मिनिमा और इसके आगे वाला आधा मिनिमा, ये मैक्सिमा का ही पार्ट है। जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी है उससे अगले वाला मिनिमा आधा और पिछले वाला मिनिमा आधा, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कहा जाएगा ये मैक्सिमा है, विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, ये विड्थ ऑफ मैक्सिमा है। अब इसकी एंगुलर विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो मैक्सिमा बना हुआ है, इस मैक्सिमा को मिला दो कहां? पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ से मिला दीजिए इस मैक्सिमा को। चलिए मैं मिला ही देता हूं, ये मैक्सिमा को मिला दिया कहां? पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ से ये मैक्सिमा को मिला दिया आपने। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइंस बनी है, इन लाइन के बीच का जो भी एंगल है, इट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा। कौन सा वाला मैक्सिमा हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये प्राइमरी मैक्सिमा सेंटर पर, और ये इसके ऊपर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो किसी भी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, उस मैक्सिमा के दोनों सिरों को पॉइंट ओ तक आप मिला दीजिए, तो एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा फाइंड हो जाएगा। इसी तरह प्राइमरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हमें चाहिए, तो प्राइमरी मैक्सिमा कहां से कहां तक है? ये बीच में मैक्सिमा ब्राइट बन रहा है, डार्क, आधा डार्क ऊपर वाला, आधा डार्क नीचे वाला, और इन दोनों को ले लीजिए यहां से, ये तो बन जाएगा आपका एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हमें चाहिए। तो ये प्राइमरी मैक्सिमा का एक साइड आधा ले लीजिए डार्क, और अगले साइड भी आधा ले लीजिए डार्क, और यहां से मिला दीजिए इन दोनों लाइंस को। अब इनके बीच, इन दोनों लाइंस के बीच जो भी एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। और लीनियर विड्थ कहाँ क्या होगी? यहां से यहां तक मिलीमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में जो भी डिस्टेंस आएगा, ये वाला कहलाएगा एंगुलर विड्थ। सॉरी, ये है क्या? ये क्या है? लीनियर विड्थ। और ये क्या है? जो एंगल बना है रेडियन में, एंगल जो बना है रेडियन में, इट इज एंगुलर विड्थ। तो यहां इस क्वेश्चन में एंगुलर विड्थ भी पूछी जा रही है और लीनियर विड्थ भी पूछी जा रही है। एंगुलर विड्थ ज्यादा पूछी जाती है और लीनियर विड्थ कम पूछी जाती है, लेकिन लीनियर विड्थ भी पूछी जा सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी नहीं पूछी जाती।
पूछी जा सकती है ये भी। तो अब हम एंगुलर विड्थ फाइंड करेंगे, एंगुलर विड्थ फाइंड करेंगे, सिंपल तरीका है बिल्कुल। एक बार मैं फिर से ये डायग्राम आपको ड्रॉ करूंगा सिंपलेस्ट वे में, सिंपलेस्ट वे में। ये बनी स्लिट ए बी, ये स्लिट का मिड पॉइंट, स्लिट की विड्थ है ए, ठीक है। और ये सामने स्क्रीन बनी यहां, स्क्रीन का मिड पॉइंट है सी। अब यहां पूरा पैटर्न बन गया है, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के लिए ही हम बात करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशंस हैं। एक लाइट रे चली ए से, दूसरी लाइट रे चली कहां से, बी से, और मैंने साथ ही साथ इसे ज्वाइन कर दिया ओ से भी, ओ पी भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी पी पर, ये एन पॉइंट है राइट एंगल, इधर सी पर राइट एंगल। तो सिंपल सी बात है, यहां ए बी ए एन थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक है। अब फिर से वही दो बात है, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए एन बी, ट्राइंगल ए एन बी, ट्राइंगल ए एन बी सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया बोलिए, किसके सिमिलर है, ओ सी पी, ट्राइंगल ओ सी पी। अब हम ट्राइंगल ए बी सी की ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए एन बी, सॉरी इन ट्राइंगल ए एन बी, साइन थीटा कितना बनेगा, देखो साइन थीटा आपका बनेगा, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना, बी एन अपॉन ए बी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट पी बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, सी के पास में ही है, तो थीटा की वैल्यू बहुत कम है, ठीक। फॉर स्मॉल एंगल इन रेडियन, रेडियन में ले रहे हैं, स्मॉल एंगल ले रहे हैं, तो फिर साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स थीटा है, तो यही हम लिखेंगे, कितना, थीटा इज इक्वल्स टू बी एन अपॉन ए बी, की वैल्यू कितनी है, ए, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू बन रही है ए, ठीक है। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, अगर ये थीटा आपका है बी एन अपॉन ए, तो ये वाला थीटा भी कितना होगा, बी एन अपॉन ए ही होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है। अब यहां से हम लेते हैं पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, पोजीशन में भी स्पेशल पोजीशन कौन सी, एंगुलर पोजीशन, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, ठीक है। फॉर P टू बी मिनिमा, P पर मिनिमा बनने के लिए क्या कंडीशन है, फॉर P टू बी मिनिमा B आपका होना चाहिए n लैम्डा, B n होना चाहिए n लैम्डा, और यहां n की वैल्यू याद रखिएगा जीरो नहीं है, यहां n की वैल्यू है 1, 2, 3 सो ऑन, जीरो पर तो बनेगा बनेगा, जीरो पर तो बनेगा ही बनेगा, चलो जीरो भी ले लेते हैं, क्योंकि जीरो पर तो मैक्सिमम बनना ही बनना है, लेकिन वो फाइंड करते हैं अलग तरीके से, ठीक है। तो थीटा एन कितना बना, देखो थीटा एन बना आपका, बी एन की जगह क्या रख दिया आपने, एन लैम्डा अपॉन ए, ठीक। ये हो गई आपकी एनथ मिनिमा की पोजीशन, यानी एनथ मिनिमा ने, यहां से एनथ मिनिमा ने ये कितना एंगल बनाया, ये आपको मिल जाएगा। अब आपको चाहिए एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, यहां देखें एक मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, ये दोनों तरफ घिरा हुआ है मिनिमा से, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा कितना है, एक मिनिमा से पहुंचे ओ तक, दूसरे
पीछे वाले मिनिमा से पहुंचे ओ तक, और ये पूरा एंगल आपका एंगुलर विड्थ है इस मिनिमा की। ये देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, पहला मिनिमा, प्राइमरी मिनिमा के बाद पहला मिनिमा बन, पहला मैक्सिमा बन रहा है। ये प्राइमरी मैक्सिमा बना सी पर और उसके बाद ये पहला मैक्सिमा बन रहा है। तो पहला मैक्सिमा के लिए आपने सेकंड मिनिमा लिया और फर्स्ट मिनिमा लिया, सेकंड मैक्सिमा के लिए आपको थर्ड मिनिमा और सेकंड मिनिमा लेना पड़ेगा। तो एनथ के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, एनथ मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए, एनथ मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए, एंगुलर विड्थ ऑफ एनथ मैक्सिमा, इसे फाइंड करने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं थीटा एम। आपको थीटा एन प्लस वन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा थीटा एन, थीटा एन कैसे, यहां एंगुलर विड्थ चाहिए आपको इस वाले की। तो पहले आप इस ओसी लाइन से, पहले आप ओसी लाइन से ये वाला एंगल फाइंड करें, कहां तक का एंगल फाइंड करें, सेकंड मैक्सिमा तक का। फिर ये वाला एंगल फाइंड करें, कहां तक का, फर्स्ट मैक्सिमा तक का। और इस पूरे एंगल में से ये एंगल सब